है और यही गेट है। अगर हम इसको इधर से पुश करेंगे लाइक दिस तो ये किक स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आफ्टर वापस हमको रिटर्न लेना है। जैसे ही ये रिटर्न आता है ये क्लच है जो हमारे नॉर्मली जो बाइक गैस सिस्टम है वैसे ही है। ये क्लच है, ये थोड़ा सा एक्सी है और ये बाजू ब्रेक है। सिर्फ इसकी किक और गैस सिस्टम थोड़े डिफरेंस है। अगेन मुझे क्लच पकड़ना है देन फर्स्ट मेरा पैर नीचे से लेके लिटिल बिट अप तो देन फर्स्ट गियर जाता है। जोर से पुश करोगी तो देन सेकेंड अगेन थर्ड सेम सिस्टम है। अगेन मुझे रिटर्न आना है फर्स्ट पे, नीचे से पैर डाल के अपसाइड करना है। फर्स्ट गियर हो गया और लिटिल बिट पुश तो देन न्यूट्रल। तो इसके गियर सिस्टम ऐसे काम करते हैं। तो अभी मैं आपको चला के दिखाती हूँ। करते हैं सबसे पहले ये डबल स्टैंड पे है, इसको उतारना है। अभी मैं इसको किक को पुश करूंगी एंड देन अपसाइड ले जाऊंगी। तो बेसिकली अगर इसकी सिस्टम समझ जाओगे तो आपको ये नॉर्मल बाइक जैसी ही लगेगी। जस्ट इसकी किक स्टार्ट थोड़ी अलग है और थोड़ा सा गियर में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आपको मालूम पड़ जाए कि क्लच पकड़ के लिटिल बिट फर्स्ट अप देन नीचे पुश सेकंड एंड थर्ड अगेन रिटर्न आना है, अगेन अपसाइड लेना है, फिर एकदम लाइट में नीचे पुश करोगे तो न्यूट्रल। तो बेसिकली ये आज हमारी SD बाइक की हमने राइड किया। थैंक यू।